हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम राजस्थान में कला एवं संस्कृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद और वाटर फोर्ट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद, वाटर फोर्ट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दुर्गों की गिरी श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? गिरी श्रेणी में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऊंचाई 1810 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1810 मीटर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कुल क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 28 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की परिधि 13 किलोमीटर है। परिधि कितनी है? 13 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की परिधि कितनी है तो 13 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो ये कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति किसके समान है? व्हेल मछली, व्हेल मछली। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तविक नाम चित्रकूट दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम या किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? गंभीरी तथा बेड़च, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम या किनारे पर स्थित है। श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। और कब? 7वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी में। और किसके अनुसार? श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7, जिनमें से प्रथम दरवाजा पांडन पोल है, अंतिम दरवाजा राम पोल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर कृषि की जाती है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट रिहायशी दुर्ग है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी रिहायशी दुर्ग है। दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, तेलीन का महल कौन से दुर्ग में है? फतेहपुर दुर्ग इज राइट आंसर। फतेहपुर दुर्ग इज राइट आंसर। एकमात्र पठानी शैली में निर्मित दुर्ग है फतेहपुर दुर्ग, डी इज राइट आंसर। मर्दान शाह की दरगाह किस किले में है? मर्दान शाह की दरगाह किस किले में है? मंडरायल का किला, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण बौद्ध शैली का बना हुआ एकमात्र दुर्ग है, पूर्णतः बौद्ध शैली का बना हुआ एकमात्र दुर्ग है मंडोर का किला, ए इज राइट आंसर। पोखरण किले का निर्माण किसने करवाया था? पोखरण किले का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपीनाथ मंदिर किस किले में है? गोपीनाथ मंदिर किस किले में है? चूरू का किला, ए इज राइट आंसर। किरत सिंह सोढा की छत्री किस किले में है? किरत सिंह सोढा की छत्री किस किले में है? मेहरानगढ़ के किले, ए इज राइट आंसर। मामा भांजा की छत्री किस किले में है?
बटनेर के किले, और बटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़। सी इज राइट आंसर। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।